Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal, fitness coach and the founder of Himalayan Stallion. दोस्तों आज हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सभी लोग फेस कर रहे होंगे। यानी कि जब आप घर पे होते हो, यानी कि जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हो, जिम से ऑफ होते हो, तो अचानक से आपका वेट क्यों बढ़ने लगता है, फैट गेन क्यों होने लगता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी बात आज हम करेंगे। अब है तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में कुछ रीजंस बताऊंगा और उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनर्जी बूस्टिंग को लेके, चेक इट आउट। टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, जहां फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखने के साथ साथ न्यूट्रिशन का टेक केयर करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं अपनी डेली लाइफ में। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए मैं अपनी डाइट में ऐड करता हूँ हेल्थ ओके पैक फ्रॉम मेनकाइंड। हेल्थ ओके के इस सप्लीमेंट में नेचुरल जिनसिंग और टॉरीन है, जो आपकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं। साथ ही साथ इसमें है अमीनो एसिड्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक एंड विटामिन डी भी प्रेजेंट है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। डेली एक टैबलेट विद हेल्दी न्यूट्रिशन हमारी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखेगा, क्योंकि जब हेल्थ होके तो सब ओके। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई जब हमारी ट्रेनिंग बंद होती है, जब हम जिम नहीं जा पाते हैं, तो बहुत सैडनेस तो बहुत होती है, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसका खामियाजा जो है हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। अब हम दिक्कत कहाँ पे आती है, गलती कहाँ पे करते हैं, ये समझिए। सबसे पहली चीज़ तो जब आप जिम छोड़ते हो या फिर ट्रेनिंग छोड़ते हो या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो आप करते थे अब नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है ना, ये डिक्रीज हो जाता है। अब कैलोरी एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैलोरी एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि भाई दिन भर में हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बर्न करती है। ये कैलोरीज कहाँ से आती है? फूड से, जो हम खाना खा रहे हैं, दाल, दूध, दही, पनीर, एग्स, राइस, चिकन, जो भी कुछ खा रहे हैं उससे कैलोरीज मिल रही हैं। हमारी बॉडी जो है इसी भाषा को समझती है, कैलोरीज की। अब जो कैलोरीज मिल रही है, ये एनर्जी बनाने के लिए बॉडी के अंदर पैदा कर रही है एनर्जी, और वो एनर्जी को बॉडी इस्तेमाल कर रही है किस तरीके के कामों में, जैसे कि बॉडी के इंटरनल जो फंक्शन हो रहे हैं, जैसे कि लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, आपका डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि हम कोई चीज़ें इधर उधर मूव कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ आपके जो एग्जिस्टिंग मसल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो ये सारे कामों में बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। अब जब आप ट्रेनिंग किया करते थे जिम में या कहीं पे भी, तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न किया करती थी, जो आप वर्कआउट करते हुए बर्न करते थे। अब कहीं ना कहीं वर्कआउट की अगर हम बात करें ना, तो एक घंटा अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसमें वेट्स लगा रहे हो, किसी तरह की फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो लगभग आपका 200 से 250 कैलोरीज या उसके आसपास की कैलोरीज बर्न हो जाती हैं ऑन एन एवरेज। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी कर सकता है कि भाई कितनी इंटेंसिटी थी, कितने देर तक किया, कितना हैवी वेट उठाया, ये सब चीज़ों पर चीज़ें वेरी करेंगी, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो भाई वो फिट बैंड्स वगैरह आते हैं, वो पहन के आप ट्रेनिंग करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी कितनी बर्न कर रही है। बट फिलहाल एग्जाम्पल देने के तौर पे 200 कैलोरीज मान लिया जाए आपकी बॉडी बर्न कर रही है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो। अब जो वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो और 6 दिन कर रहे हो, तो उसका मैथमेटिकल अगर हम कैलकुलेशन करके निकालें, तो 1200 कैलोरीज आप हफ्ते में बर्न कर रहे हो। अब ये जो 1200 कैलोरीज हैं, जब जिम आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपकी बॉडी बर्न नहीं कर रही, राइट? 1200 कैलोरी जो आप बर्न किया करते थे वो नहीं कर रहे हो। अब बॉडी क्या है? बॉडी तो है एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर, मतलब उसका काम है कि भाई हमारी जो बॉडी है उसको जिंदा रखना, अलाइव रखना एंड फंक्शनिंग रखना। उसके लिए वो सारी चीज़ें करेगी जो उसको सही लगेगा। अब उसको सही लगने वाला काम क्या होता है कि भाई जितना भी खाना आ रहा है बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा खाना बॉडी के अंदर या तो इस्तेमाल हो जाए, और अगर अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो बाद में आने वाले समय के लिए उसको इस्तेमाल हो सके, इसीलिए उसको बचा के रखा जाए। इसी वजह से आपकी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह काम करती है, और सारा जो खाना है, जो कैलरीज है एक्स्ट्रा 1200 कैलरीज, इसको बॉडी में ही रख लेती है, राइट? किसके रूप में? फैट के रूप में, चर्बी के रूप में, एडिपोस टिश्यूज कहते हैं इसे, जिसकी वजह से आपका जो ये सबक्यूटेनियस फैट है, जो ये स्किन के अंडर जो फैट होता है मसल के ऊपर, वो वहाँ पे उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है, क्योंकि वो स्टोर्ड कैलोरीज बॉडी इकट्ठा कर रही है कि भाई आज खाना मिल रहा है, कल मिले ना मिले, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन आजकल हमारे घरों में फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, सारी चीज़ें हैं स्टोर करके, कैबिनेट्स हैं, सब हम फूड स्टोर कर सकते हैं, राइट? लेकिन बॉडी को नहीं पता है, तो बॉडी क्या अपने हिसाब से चल रही है। अब जब ऐसा होने लगता है कि 1200 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो रही थी, अब
नहीं हो रही हैं, लेकिन खाना आपका जो है वैसे ही आप खा रहे हो सेम ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से। मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया आप जिम नहीं जा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, चार रोटी खाता था मैं तो चार ही खाऊंगा, कहीं मेरा शरीर कम ना हो जाए। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में ह्यूमन बॉडी अपनी सर्वाइवल मैकेनिज्म के हिसाब से बॉडी में चर्बी स्टोर कर रही है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो जाता है कि भाई आपकी बॉडी में फैट क्यों इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि बॉडी कैलोरी एक्सपेंडिचर तो वही आपका जो दे रहे थे वो नहीं हो रहा है आपका, प्लस खाना उतना ही आ रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है, ठीक है। इसके साथ अब दूसरा रीज़न सुनिए। अब क्या होता है कि मैक्रोज जो होते हैं वो भी आपके चेंज हो जाते हैं। अब मैक्रो चेंज का मतलब क्या है, मैक्रोज हमारे तीन तरीके के हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। अब भाई अच्छी बात है कि आपकी जिम हो गया बंद, कोई बात नहीं, अब आपने कहा चलो भी उतना ही खाना खा रहा हूँ मैं, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उतना खाने में से प्रोटीन जो है वो कम हो जाता है ना चाहते हुए भी। कैसे, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग के बाद आप कुछ एग्स या फिर कुछ प्रोटीन शेक इस तरह का लेते थे, लेकिन अब ट्रेनिंग हो नहीं रही तो आप जानबूझ के वो चीज़ भी नहीं ले रहे। मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन जो कंटेंट है वो कम हो रहा है, और दिन भर में जहाँ पे आप थोड़ा प्रोटीन जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेते थे कि यार ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना प्रोटीन चाहिए, वो भी आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसकी जगह पे क्या बढ़ने लगता है, कार्ब्स एंड फैट्स। ये देखिए, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल चेंज होता है आपके दिमाग में, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्विच करने लगती है ऐसे कार्ब्स में जो जिनको खाने में मज़ा आ रहा है, और साथ ही साथ आपका पेट भी ज़्यादा भर रहा है, तो आप फैट्स और कार्ब्स पे ज़्यादा रिलाई करने लगते हो रादर देन प्रोटीन। अब ये जब होने लगे तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि भाई आपका जो एग्जिस्टिंग मसल था उसको मेंटेन होने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जिम नहीं खुला हुआ है, आप ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हो। उसके साथ साथ आप ऐसी मैक्रोन्यूट्रिएंट से कैलोरीज ले रहे हो जो आपकी एनर्जी बनाने के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज वो आपके कहीं काम में नहीं आ रही, 1200 कैलोरीज के आसपास आप एक्स्ट्रा ले ले रहे हो हफ्ते में, तो वो स्टोर हो जाएंगी। फैट्स भी आप ज़्यादा लेने लगते हो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के फूड्स आप खाने लगते हो, प्रोसेस्ड फूड आप खाने लगते हो, तो उसमें आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो बॉडी का फैट है और वेट जो है वो बढ़ता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से मेन रीज़न होते हैं कैलोरी एक्सपेंडिचर का डिक्रीज होना, और आपकी जो मैक्रोज हैं वो भी आप ऊपर नीचे कर देते हो। अब करना क्या है, व्हाट यू शुड डू, सॉल्यूशंस। सबसे पहली चीज़ है कीप सिमिलर कैलोरी एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे होगा, मैं तो जिम जा नहीं रहा हूँ, ट्रेनिंग कर नहीं रहा हूँ, तो फिर कैसे कैलोरी एक्सपेंडिचर सेम रखूँ, क्या करने लगूँ। तो देखिए, जिम अगर नहीं खुला है कोई बात नहीं, आप 100 केजी की बेंच प्रेस नहीं लगा पा रहे हो, 150 किलो का स्क्वाट नहीं लगा पा रहे हो, 200 किलो की डेडलिफ्ट नहीं लगा पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस कैलोरी एक्सपेंडिचर को आप नियर अबाउट मैच कर सकते हो घर पे ही। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे डंबल्स 5 केजी 7.5 केजी के डंबल से भी अगर आप वर्कआउट करोगे ना तो भी आपका कहीं ना कहीं वो कैलोरी एक्सपेंडिचर आप मैच कर सकते हो, मतलब सिर्फ कैलोरीज की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, बॉडी वेट करो, बॉडी वेट में थोड़ा रेजिस्टेंस बैंड से ऐड कर लो अपना लोड को, या फिर छोटे मोटे डंबल से ऐड कर लो, ट्रेनिंग को डिफिकल्ट बना लो, मतलब कीप योर बॉडी मूविंग, मतलब हिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे आपका न सिर्फ कैलोरी एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, ज़्यादा बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपके मसल को, जो ये मसल होता है ना, इसको स्टिमुलस मिलता है, ठीक है। और मसल को मेंटेन करने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो यही कि कीप वर्किंग ऑन योर मसल्स, यानी कि आपके मसल जब तक काम करते रहेंगे ना तब तक वो अपने आप को मेंटेन करके रहेंगे। जहां इनको ऐसा लगा कि भाई अपना तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर ये मेंटेन करने का चक्कर भी खत्म हो जाता है। सो बॉडी को मजबूर करिए कि आपके मसल को मेंटेन किया जा सके, सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मस्ट है। भले ही आप ज्यादा वेट की रेजिस्टेंस स्टिमुलस नहीं दे पा रहे हो, भले ही ज्यादा वजन से आप लोड नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़े वेट से दो, लेकिन दो जरूर। इसके साथ साथ पूरी की पूरी अगर आप कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं भी खर्च कर पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो थोड़ा सा आप लो टू मॉडरेट कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी ऐड करो। अब कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, डिफरेंट फंक्शनल मूवमेंट्स कर रहे हो, बेसिकली आपका क्या है, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करना है, स्टेमिना आपका बढ़ाना है, और उसमें कहीं ना कहीं इसका एक एडेड बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है कि थोड़ी बहुत कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा बर्न हो जाती हैं। नॉर्मल वॉक भी करोगे ना आप अगर करीबन आधा घंटा, तो आपकी 100 से 150 कैलोरीज आराम से बर्न हो जाती है। तो फिर आप इस तरीके से कैलोरी एक्सपेंडिचर को भी बचा लोगे और साथ ही साथ मसल को भी मेंटेन कर लोगे। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फूड चॉइसेस। अब देखिए, फूड चॉइसेस मैक्रोज रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। ध्यान यहाँ पे रखो कि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब आपको पता है कि यार जिम नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना मर्जी खा लेते हैं, जब जिम ज्वाइन करेंगे तब डाइटिंग कर लेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट मत सोचिए, क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करोगे ना तो जितना एक्स्ट्रा फैट लगाया है पहले उसको कम करना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके गोल से पीछे धकेल रहा है आपको। सो कोशिश ऐसी करिए कि ओवर ईट मत करो। हाँ, कभी कभी आपको लगता है कि कुछ खाना है तो आप इधर उधर यू नो चीट मील्स टाइप ले सकते हो, लेकिन ये दिमाग में कॉन्शियसली रखो कि भाई ज़्यादा ओवर ईटिंग करूँगा तो ज़्यादा फैट लगेगा, फिर इन द एंड करना तो मुझे ही कम है, तो क्यों आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। इसके साथ साथ आप फॉलो अ सिस्टम, फिक्स्ड पोर्शंस, मतलब फिक्स्ड पोर्शंस मतलब कि भाई आप सुबह उठते हो ना जब, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि यार दिन भर में मैं इतना इतना ही खाऊंगा, ये चीज़ें। राइस खाना है तो एक प्लेट, राइट, ओट्स खाना है तो चलो एक छोटा कप। तो इस तरीके से आप पोर्शन साइजेस फिक्स कर दोगे एक बार अपने, उस हिसाब से जब आप चलोगे, जब आप यू नो जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, घर पे भी कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने उसी पर्टिकुलर वेट को मेंटेन कर पाओगे और उसमें फैट जो है आपकी ज़्यादा लगेगी नहीं बॉडी में, साथ ही साथ आप मसल को भी मेंटेन कर पाओगे विद ऑफ कोर्स ट्रेनिंग। तो पोर्शन साइजेस पे ध्यान दो, जितना खा रहे हो उतना ही खाओ, अननेसेसरी हर दिन आपका कैलोरीज जो है बढ़ती नहीं रहनी चाहिए या फिर बहुत कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप जिम में ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, घर पे ही हो, तो अननेसेसरी फूड को बहुत ज़्यादा कर देना और फूड को बहुत कम कर देना, ये दोनों ही गलत होते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो मसल मास है एग्जिस्टिंग वो मेंटेन रहने की और बॉडी का ओवरऑल जो फैट है वो ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस पे काम किया जाता है घर पे, और जल्दी ही हमारे जिम्स वगैरह सब खुल जाएंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट फिलहाल आप ये चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। ऑलराइट, सो गाइज, विद दैट नोट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे अच्छी तरीके से, आपको समझ में आए, यही मेरी कोशिश थी। एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, वहाँ पे बताइए कोई सजेशंस हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड टेक केयर। जीत सलाल, बाय बाय।